हेलो दोस्तों, सिने में सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सैंडमैन सीजन 1 का सेकंड एपिसोड। फर्स्ट एपिसोड मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमारी मूवी स्टार्ट होते ही हम सैंडमैन को देखते हैं अपने उसी महल में जहाँ पर हमने इसको लास्ट में छोड़ा था। तो यहाँ पर इनकी सेक्रेटरी के साथ बात होती है कि अब मैं जाने वाला हूँ अपने तीनों हथियारों को ढूंढने के लिए। तो लेकिन जैसे ही ये अपने सारे ताकत के साथ अपने महल को ठीक करना चाहता है तो नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी शक्तियाँ बहुत कमज़ोर होती है। कमज़ोर शक्तियों के साथ ये कुछ भी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये फिर से डिसाइड करता है कि मैं वापस से धरती पर जाऊंगा और फिर से अपने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि मेरे सारे हथियार हैं, वो वापस लूँगा। इसके बाद हम देखते हैं जो औरत इसके सारे हथियार लेके भागी थी, वो अभी भी वैसी की वैसी है इतनी सदियों के बाद, और इस पर कोई असर नहीं पड़ा है। तो इसके बाद फिर हम उसी को देखते हैं जिसको सैंडमैन मारने के लिए आया था, इसका दूध जो होता है। और ये फिर इसको भी समझाने के लिए आया हुआ है कि सैंडमैन अभी आज़ाद हो चुका है, वो तुम्हें मारने के लिए कभी भी आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैंडमैन अब अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपनी एक बहुत ही खास चीज़ को लेने के लिए जाता है उन दो दोस्तों के पास, जिनके पास इसने उस चीज़ को छोड़ा था। तो हम जैसे कि देखते हैं उस चीज़ को सैंडमैन अपने अंदर संभाल लेता है और वापस से थोड़ा बहुत शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन वो अभी भी महसूस करता है कि मैं अभी भी पूरी तरीके से शक्तिशाली नहीं हुआ हूँ, ताकि मैं अपनी सारी चीज़ों को महसूस कर पाऊँ और अपने हथियारों को महसूस करके ढूंढ पाऊँ। लेकिन इसके बाद फिर से ये डिसाइड करता है कि मैं अभी तीन चुड़ैलों को बुलाऊँगा, उनसे अपनी सारी की सारी शक्तियाँ वापस से मांगूँगा और मेरे हथियार किधर हैं वो सब पूछूँगा। तो उनके लिए कुछ पेड़ चढ़ानी होती है, जिसके लिए सैंडमैन हर किसी के सपने में जाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ से इसको एक बहुत ही अच्छी भेड़ मिल पाए। तो अभी जैसे ही ये शुरुआत करता है कि सबके सपनों में जाने में, तो वहाँ से ये फर्स्ट पहले सपने में देखता है कि ये एक खेत खलिहान में है, तो वहाँ से उसकी मिट्टी उठा देता है। और दूसरे में ये देखता है कि वहाँ पर कोई आदमी फांसी पर चढ़ने वाला है। फांसी पर चढ़ने के बाद वो बंदा देखता है कि उसके सपने में बहुत ही अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे होते हैं, तो वहाँ से उसको कुछ खास नहीं मिलता है। तो तीसरे सपने में जाके देखता है कि एक सांप दिखता है उसको, और वो सांप को देखता है कि मेरे को एक बहुत ही खास चीज़ मिल गई है उनके लिए। तो वो सांप को लेता है और वहाँ से चला जाता है। सांप को लेने के बाद सैंडमैन अपने उन तीनों चुड़ैलों को बुलाता है। तीनों चुड़ैलों को बुलाने के बाद सैंडमैन उन तीनों से एक एक सवाल पूछने की करता है। वो तीनों बोलते हैं कि एक सवाल एक ही जवाब। उनका कहने का मतलब है कि तुम एक ही सवाल कर सकते हो और उनका एक ही जवाब मिलेगा, उससे ज़्यादा डिटेल हम लोग नहीं दे सकते। तो इसके बाद सैंडमैन एक अपनी तीनों यंत्रों के बारे में पूछता है एक एक करके। तो ये तीनों यंत्र बताने लग जाते हैं। इसके बाद तीनों यंत्र बताने के बाद सैंडमैन अपने लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही सैंडमैन का दूत इसको औरत को समझा रहा होता है कि सैंडमैन वापस से आ गया, लेकिन ये इसकी एक बात नहीं सुनती है। ना सुनने के कारण ये अपने जादुई लॉकेट दिखाती है और बताती है कि मैं कभी भी बूढ़ी नहीं हो सकती और ना ही मैं कभी मर सकती हूँ, तो इसके सामने और ना ही मेरे आसपास कोई आ सकता है। तो ये सब दिखाने के लिए ये इसके सामने उस लॉकेट को करती है। तो इसका जो सैंडमैन का जो दूत होता है वो गायब हो जाता है और वापस से अपनी ड्रीम की दुनिया में चला आता है। यहाँ पर ड्रीम की दुनिया फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इस औरत का एक बेटा भी होता है जो कि बूढ़ा हो चुका होता है। तो इनके बीच में आपस में बात होती है कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, लेकिन ये नहीं मानता है। इनके बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं कि मैं तुम भागी थी, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। तो ये सब चीज़ों में ये बताता है कि मैंने उस
मणि में कुछ चेंजेस कर दिए हैं जिससे कि अब वो मेरे कब्ज़े में आ जाती है जबकि सैंडमैन के कब्ज़े में नहीं आ सकती। तो यहाँ पर ये इसको बचाने के लिए कहती है कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, तो अपना लॉकेट जो होता है वो इसको दे देती है और खुद मारी जाती है। तो इसके बाद ये बाहर निकल जाता है और यहाँ पर हम फिर से दिखाते हैं कि सैंडमैन अभी सारी चीज़ें कलेक्ट करके आ चुका होता है। आने के बाद सैंडमैन को हम देखते हैं कि ये अपनी सारी एक एक इच्छाएं मांगने के लिए उन सबके पास जाता है। तो ये वही इसको सारी बातें बता देती हैं कि तुम्हारी तीनों की तीनों जो हथियार हैं, जो तुम्हारे शक्तियां हैं, वो कहाँ पर गई हुई हैं। तो ये इसको फिर से बताती हैं कि एक सवाल एक ही जवाब, ये सब पूरा होने के बाद, इनकी भेंट लेने के बाद ये लोग चले जाते हैं। तो इसके साथ ही ये मूवी इधर ख़त्म होती है कि अभी यहाँ पर अब सैंडमैन को अपनी तीनों हथियारों का पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है और उसको कहाँ पर ढूंढना है। तो इसके बाद हम तीसरा एपिसोड भी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा मूवी को वॉच करें और जितना हो सके अगर कोई भी कमी हो तो मेरे को ज़रूर बताएं ताकि मैं उन कमियों को पूरा कर पाऊँ और आपको एक बेहतरीन मूवी और वेब सीरीज या जो भी हो उनको आपके सामने एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता सकूँ। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।